हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो हेलो एलकेन एंड हेलो एरिन का 12th क्लास का। ठीक है, आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। खासकर आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंबाइंड बनाना चाहते हैं, रिएक्शन और कन्वर्शन समझना चाहते हैं, तो ये जो टॉपिक आज बताने जा रहे हैं इसको जानना और इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आखिर हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाए, बात समझा, और किस किस मेथड से हेलो एल्केन को बनाया जाता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक के बिना तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो भी है अल्कोहल फिनॉल इथर या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन सब अधूरा है। इसलिए ये पॉइंट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसको सिर्फ सुनोगे नहीं, अगर सिर्फ सुन रहे हो कहानी के जैसा तो व्यर्थ चलाएगा। इसको लिखो, इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, करो, उस पर काम करो। जो नहीं समझ में आए तुरंत कमेंट करके बताओ। बात समझ में आ रहा है? फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। चर्चा करें, बहुत सारा मेथड्स होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरियस मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन। बात समझा? इसमें से पहला मेथड अगर हम बात करें तो यहां से क्या करते हैं, कहां से बनाते हैं, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आया? तो होता क्या है, एल्कोहल से बनाने का पहला तरीका जो है क्या होता है, पहले हम समझा दें। होता क्या है कि अगर ये मान लो एल्कोहल है, ये है एल्कोहल, समझना पहले बात को समझो, ये क्या है एल्कोहल, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, HCl को डाल देते हैं। क्या डालते हैं, हैलोजन एसिड से हम लोग पहला रिएक्शन करते हैं। एल्कोहल में क्या करते हैं, हैलोजन एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं, हैलोजन एसिड। तो हैलोजन एसिड में हम लोग क्या डाल रहे हैं, HCl, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में, और हीट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, इसका H और इसका OH बाहर हो गया और क्या बना लिया, H2O, और ये Cl जुड़ गया, तो यहां से क्या हो गया, RCl, यही कहलाएगा तुम्हारा क्या, हेलो एल्केन। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हेलो एल्केन। अगर इसी में बात करें तो ROH जो है HBr अगर आ जाए तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण से इसमें ZnCl2 डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, ZnCl2 डालने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट थोड़ा सा हीट करोगे डायरेक्ट रिएक्शन करता है। इसका H, इसका OH क्या बाहर करेगा, H2O, और क्या बना लेगा, RBr। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्रोमो एल्केन, ये तुम्हारा क्लोरो एल्केन हो गया, हेलो एल्केन नहीं बोलोगे, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन जुड़ गया क्लोरो एल्केन। ठीक है, ये तुम्हारा क्या गया? बन गया ब्रोमो एल्केन। अगर हम बात करें अल्कोहल है और अगर यदि हाइड्रोजन एसिड में HI डाल दे, ये रिएक्शन नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं बना पाता है, ये आइडो एल्केन नहीं बनाता है, आइडो एल्केन नहीं बनाता है, इसलिए HI ना डाल के इसमें हम लोग क्या डालते हैं, KI डालते हैं। क्या डालते हैं, KI। और होता क्या है, इसका K और इसका OH, KOH बाहर करता है और बन क्या जाता है, आइडो एल्केन बन जाता है। बात समझ में आया? तो ये अल्कोहल से बनाने का पहला मेथड है, अल्कोहल से बनाने का ये पहला मेथड है कि हम लोग क्या डाल रहे हैं, हैलोजन एसिड डालते हैं। अगर क्लोरीन HCl लोगे तो ZnCl2 इसमें रिएजेंट लेना पड़ेगा कैटलिस्ट के रूप में, तब क्लोरो एल्केन बनता है। HBr में कोई कैटलिस्ट लेने का जरूरत नहीं है, ये ब्रोमो एल्केन बन जाता है। और HI नहीं डाला जाता है, ये क्या हम लोग डालते हैं, KI हम लोग यूज करेंगे और क्या बन जाता है, आइडो एल्केन। ये तुम रिएक्शन कैसे हो रहा है ये तुम देखोगे, रिएजेंट को दिमाग में रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। कैसे, जैसे कहने का मतलब अल्कोहल से क्लोरो एल्केन बनाने का तरीका क्या है भाई, तो HCl और ZnCl2 डाल दो तो ये तुम्हारा क्लोरो एल्केन बन जाता है। बात समझ में आया? जैसे अगर एग्जाम्पल हम बताएं, एग्जाम्पल अगर लेके चले तो क्या होगा, एग्जाम्पल बढ़िया से समझना और देखना। एग्जाम्पल अगर देखोगे तो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल पहला है CH3OH, ये तुम्हारा क्या है, मिथाइल एल्कोहल। ये क्या है बाबू, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल में अगर तुम क्या करते हो, HCl डालते हो, ZnCl2 डालते हो, तो इसका OH, इसका H बाहर कर देता है H2O और बन क्या जाता है, CH3Cl। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड। तो मिथाइल एल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, HCl डालो, ZnCl2 डालो और क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, हेलो एल्केन बन गया। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से ये पहला तुम्हारा मेथड हो गया
हेलोलेकेन बनाने का एल्कोहल से। दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है, अगर एल्कोहल है तुम्हारे पास, क्या है एल्कोहल, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, बात समझना, उसमें हम लोग क्या करते हैं SOCl2 डालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थायोल क्लोराइड। क्या थायोल क्लोराइड, क्या थायोल क्लोराइड, किसके प्रेजेंस में, क्या बिना प्रेजेंस में होता है, नहीं पायरिडीन के प्रेजेंस में, पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो पायरिडीन के प्रेजेंस में हम लोग डालते हैं, बात समझ रहा, सिर्फ देखो क्या होता है, इसका एच और इसका सी एल बाहर हो गया, क्या एच सी एल, पहले समझना ठीक है। अब यहां से क्या होता है, इसका ओ और इसका एसओ क्या बाहर कर देता है SO2। अब एक सी एल बच चुका है, वो कहां अटैक करेगा, आर पर अटैक करेगा, और ये जानते हो ये प्योर क्लोरो अल्केन बनाने की कोशिश करता है, ये समझना कि अगर तुमको बोल दे कि प्योर क्लोरो अल्केन बनाने बना के दिखाओ तो कौन सा मेथड लगाओगे, SOCl2 थायोल क्लोराइड, क्या बोलोगे थायोल क्लोराइड यूज करोगे पायरिडीन के प्रेजेंस में, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा क्लोरो अल्केन बन जाएगा जो थायोल। नेक्स्ट जो मेथड है, बात समझ में आया, ये थायोल क्लोराइड से बन गया, तो एल्कोहल में थायोल क्लोराइड डालोगे क्या बनेगा, ये तुम लोग समझ गया। नेक्स्ट तीसरा मेथड जो है, एल्कोहल में तुम लोग को क्या करना पड़ता है, FeCl3 नहीं फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड डालोगे, बात समझ में आया, तब यहां से रिएक्शन करके यार ये क्या बनाता है क्लोरो एल्केन बनाता है, कैसे बनाता है समझाए, देखो समझो, इसका एच इसका सी एल क्या बन गया HCl बन गया, चार HCl बचा हुआ है, एक HCl जो है R पर अटैक किया तो R और Cl बन गया, अब बचा क्या, देखो H भी भाग गया है R भी भाग गया है, यहां से PCl3 बचा हुआ है क्योंकि दो Cl भाग गया है, यहां O बचा हुआ था, PO Cl3 बन गया, बात समझा, ये तुम्हारा हो गया क्लोरो एल्केन, ये तुम्हारा हो गया एल्कोहल, अब तुम यहां जो भी एल्कोहल लोगे वैसा क्लोरो एल्केन बनेगा, बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर तुम यहां से बात करो ब्रोमो एल्केन का, तो H ये एल्कोहल है तुम्हारा, PBr5 अगर लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, बस उसी तरह से H और Br क्या बाहर हो गया, HBr बाहर हो गया, एक Br जाके R पर अटैक किया तो RBr हो गया, प्लस अब क्या होता है जो बचा उसको लिख दो तो PO और क्या Br3, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो ये कहानी तुम्हारा है प्रिपरेशन यहां से नेक्स्ट मेथड। अब यहां से देखो नेक्स्ट मेथड क्या, बात समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो, एग्जांपल एक ही साथ ले लेंगे ना बात, अब यहां से क्या होता है समझना, नेक्स्ट मेथड जो चौथा मेथड है वो हम लोग क्या डालते हैं PCl3 या फिर PBr3 डालकर भी हम लोग क्या करते हैं, PCl3 का मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, अभी हम लोग किसका रिएक्शन कराए थे फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड का, तो एल्कोहल है और इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं PCl3, क्या डाल रहे हैं PCl3, तो ये तुम्हारा हो गया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, कैसे रिएक्शन करता है, बात समझना, बिल्कुल बात समझोगे, समझना इसका थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म बताने की कोशिश करें तो समझोगे, ये HOCl बन गया ना और ये तुम्हारा PCl3 है, समझना बात को ठीक है, होता क्या है PCl3, ये सिर्फ आज कराने का एक तरीका हम बता रहे हैं इसका मैकेनिज्म नहीं, लेकिन आज कराने का तरीका हम बता रहे हैं, 12th में मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन फिलहाल यहां से देखोगे ये तुम लोग देखो ClCl, इसका OH जाके P में जुड़ा और ये Cl यहां जुड़ा, तो R और Cl बन गए, समझना बात को, R एक Cl के साथ गया RCl बनाया, तो कितना Cl है भाई टोटल तीन, तो यहां तीन को लेना पड़ेगा, 3R3Cl के साथ बना गया और 3 बना दिया प्लस, अब बचा क्या देखो तो यहां P है और OH भी कितना जुड़ जाएगा POH, अगर इसको समेट कर लिखोगे तो H कितना है 3, P 1 है और वो कितना है 3, बात समझ रहे हो, तो ये कहानी बन गया, मतलब क्लोरो एल्केन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, ध्यान देना, यहां से अगर यदि PCl3 डालोगे तो क्या बनेगा क्लोरो एल्केन प्लस फॉस्फोरस एसिड बनेगा, कोई दिक्कत, इसी तरह से PBr3 के साथ भी बन जाता है, PBr3 के साथ भी बन जाता है, अगर यदि तुम्हारे पास एल्कोहल है और अगर PBr3 डाल रहे हो तो क्या होता है, यहां से देखो 3Br3R के साथ क्या करता है 3RBr बन गया और यहां क्या होता है 3OH जुड़ जाता है, तो P और इसके साथ कितना OH जुड़ेगा 3OH जुड़ेगा, तो 3OH को समेट कर लिखोगे तो H3 है, P अकेला है, O3 है फॉस्फोरस एसिड,
बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहां से फॉस्फोरस एसिड के साथ से रिएक्शन कैसे बनाओगे वो तुम लोग को बता दिए। तो कहानी यहां तक समझ में आ गया कि हेलो एल्केन प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्कोहल से, तो एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्रिपेयर किया जाए, ये हम तुम लोग को चार से पांच मेथड बताए। कौन कौन सा? तो हम लोग हैलोजन एसिड डाल के बना सकते हैं, हम लोग थायोक्लोराइड डाल के बना सकते हैं, PCl3 और PCl5 डाल के बना सकते हैं, PBr3 और PBr5 डाल के बना सकते हैं, और तुम लोग का लास्ट मेथड बस यही तो था। तो ये तुम लोग का यहां से एल्कोहल से बनाने का तरीका हम बता दिए, बात समझ में आया। दूसरा जो मेथड, अभी पहला हम लोग सीखे एल्कोहल से बनाने का तरीका, हेलो एल्केन को कहां से बनाने का तरीका, एल्कोहल से बनाने का तरीका। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड सीखते हैं आखिर अल्केन से कैसे बनता है, दूसरा एल्कोहल से कैसे बन गया पता चल गया, अब हम लोग का आता है अल्केन से बनाने, फ्रॉम अल्केन। नेक्स्ट मेथड क्या लिखोगे, फ्रॉम अल्केन, क्या लिखोगे, फ्रॉम अल्केन, बात समझना। अल्केन में क्या होता है, जैसे मान लो ये अगर ले CH और H, एक कार्बन है इसलिए मिथेन का आएगा, तो मिथेन में आखिर क्या लिया जाए जो हेलो अल्केन बन जाता हो, तो अल्केन कोई भी हो अगर यदि इसमें कोई भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल दे, जैसे यहां क्लोरीन मॉलिक्यूल डाल दें, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, यहां एच न्यू भी लिख सकते हो क्योंकि सन इसको हीट किया जाता है, बात समझा। तो इसका एच और इसका सीएल क्या हो जाता है, बाहर और जुड़ किया जाता है, जैसे देखो यहां से ये एच और एच और एच और यहां क्या जुड़ जाता है, सीएल, बात समझा। ये तुम्हारा क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत, बात समझ रहे हो। तो कैसे प्रिपरेशन हो गया पता चल गया कि अल्केन में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालते हैं या क्लोरीन मॉलिक्यूल लिए, सनलाइट के प्रेजेंस में इसका एक एच और इसका सीएल बाहर हुआ, HCl, और ये तुम्हारा मिथाइल क्लोराइड बन गया, बात समझ रहे हो। तो अल्केन से बनाने का तरीका समझ में आ गया है, बात समझ रहे। लेकिन क्या ये रिएक्शन यही रुकता है, नहीं, यहां रिएक्शन नहीं रुकता है, होता क्या है अगर यदि उसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल का मात्रा और भी हो और अगर तुम धूप में रख ले हो, मतलब सनलाइट का रे इसमें पड़ रहा है, तो तुम्हारा फिर से फर्दर रिएक्शन करता है और एक एच यहां है इसका सीएल, एच सीएल बाहर कर देता है और फिर से क्या बन जाता है, यहां देखो ये सीएल यहां और एच और ये एच, डाइक्लोरोमीथेन, इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, बात समझ में आ रहा है। क्या ये रिएक्शन यही नहीं रुकता है, ये क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर यदि है उसमें और तुम धूप में अभी भी रखे हो, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये फिर से रिएक्शन करता है, इसका एच इसका सीएल क्या बना देता है, एच सीएल, और बन क्या जाता है, यहाँ सीएल था, यहाँ भी सीएल था, यहाँ भी सीएल हो गया और ये एच हो गया, जानते हो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो, और इसका एक कॉमन नेम होता है, और इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, बहुत सारा नाम तुमको हम यही बता दे रहे हैं, तो ये नाम जानोगे, इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 का नाम क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, एक बार और रिएक्शन कर सकता है ना, एक बार और रिएक्शन कर लेता है लास्ट में, अगर यदि तुम रखोगे तब, नहीं रखोगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, जहां तुमको स्टॉप करना है धूप से तुम घर पे ले आओ, स्टॉप हो जाएगा। अब यहां देखो सी एच था, सीएल है, सीएल है, सीएल है, इसका नाम क्या था, क्लोरोफॉर्म, बात समझ रहे हो, तो ये क्लोरोफॉर्म है। अब क्लोरोफॉर्म में अगर फिर से HCl2 का मात्रा है और सनलाइट इसमें क्या हो रहा है, पड़ रहा है, तो यहां क्या होता है, इसका H इसका Cl बाहर हो गया, HCl, और बना लेता है क्या, C और Cl, Cl, Cl और क्या Cl, मतलब इसको हम लोग टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो, टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो, या फिर इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा कहानी हो गया अल्केन से हेलो अल्केन कैसे बनाए, ये तुमको हम बता दिए, कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब कहानी क्या होता है कि अल्केन से तो पता चल गया, क्या हायर वाला भी यही होगा, थोड़ा सा देख लो और समझ लो, बात समझना। हायर का केस में क्या होगा, अगर मिथेन लिए थे तो दो इथेन अगर लेंगे तो क्या कहानी बनेगा, जैसे मान लो CH3 और CH3 प्लस Cl2 अगर डाल देंगे और सनलाइट डाल देंगे, समझना बात को, सनलाइट डाल देंगे और हीट कर देंगे तो क्या होगा, तो इसका H इसका Cl बाहर हो गया, अब बन क्या जाएगा, देखो तो CH3
CH2 और क्या Cl, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। बात समझ में आया, क्या बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। तो कहानी ये बोल रहा है अगर इथेन है तुम्हारे पास, इथेन मतलब अल्केन है तुम्हारे पास, तो हैलोजन मॉलिक्यूल डालोगे या क्लोरीन मॉलिक्यूल डाले हैं, सनलाइट डालोगे, तुम्हारा हेलो एल्केन बन के तैयार हो जाएगा, यहाँ इथाइल क्लोराइड बना है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। एक यहां नोट करने का जरूरत यह है, नोट करने का जरूरत यह है कि अगर यदि मान लो कि तुम्हारे पास प्रोपेन है, तुम्हारे पास कौन है प्रोपेन, इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल डाले हो, सनलाइट डाले हो, समझना बात को, हीट कर रहे हो सनलाइट डाल के, तो होता क्या है यहां से इसका H और इसका H, इसमें भी हाइड्रोजन का मात्रा 3 है, इसमें भी हाइड्रोजन का मात्रा 3 है, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन मतलब अंतिम छोर वाला हाइड्रोजन है, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये डिफरेंस है, तो इस हाइड्रोजन को खींचेगा कि इस हाइड्रोजन को खींचेगा, अगर इसका खींचा तब भी 1 पर, इसका खींचा तब भी 1 पर, तो इसमें तो कोई झगड़ा नहीं, इसमें झगड़ा है कि अगर इसका खींचेगा तो 2 पर आ जाएगा। बात समझ रहा है, तो यहां से समझना कि ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, ये कितना प्रोडक्ट बनाता है, इससे खींचकर Cl बनाया और यहां CH3 प्लस, होता क्या है CH2 और CH2, इसका H खींचकर और Cl बनाया। बात समझो, 2 प्रोडक्ट बनाता है, ये प्राइमरी पर भी बनाता है, प्राइमरी मतलब समझ रहे हो ना, ये प्राइमरी एक ही कार्बन से जुड़ा, और ये क्या सेकेंडरी पर भी बनाता है। बात समझ में आया, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बना, प्राइमरी तुम्हारा क्या हो जाता है माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, और सेकेंडरी तुम्हारा क्या हो जाता है मेजर प्रोडक्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बात समझ में आया, चलो ये तुम्हारा हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्केन, अल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए ये तुमको हम बता दिए। नेक्स्ट तुम लोग जान लोगे अल्कीन से, और अल्कीन से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम जानोगे, लिखो फ्रॉम अल्कीन। नेक्स्ट मेथड, तीसरा मेथड बोल सकते हो, हम लोग अल्कोहल से सीखे, अल्केन से सीखे, अब अल्कीन चल रहे हम लोग, तो अल्कीन से देखो, अल्कीन से देखने लायक रिएक्शन रहेगा, इसका ए नंबर रिएक्शन क्या है तो पहले समझ लो, पहले समझ लेना होता क्या है, इसको हम लोग ए नंबर रिएक्शन बोलते हैं, मार्कोनीव कॉप्स रूल, मार्कोनी कॉप्स रूल, मार्कोनी कॉप्स रूल। तो मार्कोनी कॉप्स रूल क्या कहता है समझना, बोलता यह है कि वेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ HCl, HCl और HBr, देन द नेगेटिव पार्ट, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ HCl और HBr अटैक ऑन लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम ऑफ, एटम ऑफ अल्कीन, दिस रूल इज नॉन एज मार्कोनी कॉप्स रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल, कॉप्स रूल। बात समझ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम VVI, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। होता क्या है मार्कोनिफ जो है वो एक रूल दे दिया, मार्कोनिफ कोई साइंटिस्ट का नाम है, एक रूल दिया और क्या बोला, अगर अल्कीन है उसमें HCl या फिर HBr डाल रहे हो या फिर HI कुछ भी डाल रहे हो तो उसमें क्या होता है जो उसका नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां जाके जुड़ेगा, तो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में जुड़ेगा। देखते हैं इसका एग्जांपल और समझते हैं आखिर ये क्या बोलना चाह रहा था, तो एकदम बढ़िया से समझोगे और देखोगे। समझो, ये मेरे पास अल्कीन हुआ RCH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारे पास क्या है अल्कीन है। अब अल्कीन में डबल बॉन्ड यहां है तो एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, तो हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग मतलब अगर HCl है तो HCl का HCl, Cl नेगेटिव होता है और H क्या होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग में। बात समझा, तो ये तुम्हारा बॉन्ड खुलेगा और H यहां आएगा, तो यहां क्या बन गया RCH2 और यहां Cl जुड़ गया और ये क्या हो गया CH3, ये तुम्हारा क्या बन गया क्लोरो अल्केन। बात समझ में आया, अगर मान लो ये अल्किन तुम्हारा रहेगा और अगर यदि मान लो HI डाल देते तुम
तो इसका एच आई आई तुम्हारा नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट का अटैक करेगा लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में और ये तुम्हारा खुल जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा आर सी एच, यहाँ आई जुड़ गया और यहाँ क्या रहेगा सी एच थ्री, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा लेस मतलब लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में ही अटैक करेगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। अगर एग्जाम्पल का बात करें ये तुम्हारा मार्कोनिकॉफ रूल कहलाएगा। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल का बात करें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखो एकदम बढ़िया समझना। ये है ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है, यहाँ सी एच टू लगा हुआ है ठीक है, ये एल्किन है। अब इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं एच आई डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं एच आई। अब तुम बताओ एक यहां बॉन्ड है एक यहां बॉन्ड है, टू ट्राई कहां आई जुड़ेगा, तो यहां से देखो कार्बन यहां है ना, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और दो बॉन्ड यहां, चार बॉन्ड हो गया, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें दो हाइड्रोजन है, तो जहां कम हाइड्रोजन रहेगा वहां नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा यहां जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, तो देखो तो ये बन जाएगा यहां सी एच थ्री, क्योंकि हाइड्रोजन यहां गया सी एच थ्री और यहां क्या जुड़ेगा आई। बात समझ में आया, कुछ इस तरह से एग्जाम्पल तुम समझ सकते हो, या फिर तुम अगर देखोगे सी एच थ्री और यहाँ भी सी एच थ्री, और अगर यदि बात करें यहाँ एच है और यहाँ अगर यदि सी एच टू का बात करें तो तुम लोग का क्या हो जाएगा ए सी एच टू, यहाँ से क्या हो जाएगा अगर एच बी आर टू डाल रहे हो तो यहाँ देखो अल्किन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग में कौन जाएगा ब्रोमिन, तो ब्रोमिन यहाँ गया ये आ गया, मतलब सी एच थ्री यहाँ सी सी एच थ्री यहाँ जुड़ेगा बी आर और यहाँ जुड़ेगा सी एच थ्री। बस समझ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा अल्किन का कहानी हुआ। आज ना लास्ट इस टॉपिक मतलब अल्किन से हम लोग आज थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं थोड़ा। दूसरा क्या होता है बी नंबर जो होता है वो क्या होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिव कॉफ रूल, ठीक है मार्कोनिव कॉफ रूल। अब यहां से क्या होता है देखो, यहां से बढ़िया से समझना, होता क्या है एक व्यक्ति आता है, इसको हम लोग खारास इफेक्ट भी बोलते हैं, खारास इफेक्ट भी बोलते हैं। अब इसको क्यों खारास इफेक्ट बोले, क्योंकि खारास नाम का एक व्यक्ति आया और वो क्या बोल दिया कि नहीं मार्कोनिव ऐसा नहीं होता है, हम कुछ इसका ट्यूस्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि अल्किन है, मार्कोनिव क्या बोला था, मार्कोनिव बोला था कि अगर एच सी एल एच बी आर एच आई जो भी हाइड्रोजन एसिड आएगा अगर अल्किन में रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में जाएगा। बात समझ में आ रहा है, लेकिन खरास क्या किया सिर्फ इसमें परऑक्साइड डाल दिया, क्या किया परऑक्साइड डाल दिया और हीट किया, परऑक्साइड डाल दिया, HCl डाला तो कोई इफेक्ट नहीं दिखा, HI डाला कोई इफेक्ट नहीं दिखा, लेकिन HBr जैसे डाला, HBr और परऑक्साइड जैसे डाला तो इसमें इफेक्ट क्या देखा कि जो इसका नेगेटिव पार्ट था वो लेस हाइड्रोजन में ना जाकर कहां जाने लगा मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में जाने लगा। बात समझ में आया, और प्रोडक्ट क्या बन गया आर सी एच टू, हाइड्रोजन यहां जुड़ गया और ये सी एच टू था, बी आर यहां जुड़ गया। बात समझ रहे हो, सिर्फ एच बी आर ओनली एच बी आर के केस में, सिर्फ और सिर्फ एच बी आर के केस में, HCl के केस में नहीं, HI के केस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके केस में, HBr के केस में ऐसा देखा गया कि परऑक्साइड डालने के बाद क्या होता है इसका नेगेटिव पार्ट जो है वो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग में नहीं किस में जाता है मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में जाता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, कैसे डिफाइन करेंगे बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ HBr ओनली, सिर्फ HBr में, देन तब क्या होगा बताओ, द नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr अटैक ऑन मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम ऑफ अल्किन। बात समझ में आया, अल्किन का जो ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम रहेगा उस पर जाकर अटैक करेगा, दिस रोल इज नॉन एज, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का ये एंटी हो गया था, विपक्ष हो गया था, ऑपोजिट हो गया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बात समझा, कॉफ रूल,
ये कहानी थोड़ा सा दिमाग में रखोगे कि एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल क्या है, कैसे है। पेरोक्साइड भूलना नहीं, पेरोक्साइड बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल इसका अगर यदि हम बता दें तो बढ़िया से समझ आना, एकदम एग्जाम्पल आसान है, बहुत आसान है। और देखोगे जैसे मान लो ये CH3 है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, समझना बात को। यहां हम क्या किए, HBr डाले और रिएक्शन किया कराए बिना कोई चीज डाले हुए, कैटलिस्ट डाले हुए। और यहाँ CH3 है, यहाँ CH है डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ भी HBr डाले लेकिन इसमें क्या किए, पेरोक्साइड डाल दिए। क्या किए, पेरोक्साइड, यहाँ भी यहाँ पेरोक्साइड डाल दिए। पेरोक्साइड HBr के केस में क्या होता है, इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ गया, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग में। विदाउट पेरोक्साइड इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ गया, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग में। इसका बनता क्या है, तो CH3 CH और यहाँ Br यहाँ जुड़ गया, यहाँ CH3 हो गया। इसका क्या बनता है, तो CH3 CH और यहाँ क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ CH2 और यहाँ Br जुड़ गया। देखो यहाँ प्राइमरी बना, यहाँ क्या बन गया, सेकेंडरी। यही डिफरेंस है मार्कोनी कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल में। डिटेल चर्चा हम कर दिए मार्कोनी कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल कैसे कैसे क्या, बात समझ में आया क्या क्या हुआ, ये तुम लोग को हम डिटेल में चर्चा कर दिए। सो तुम लोग दिमाग में रखोगे, बढ़िया से रखोगे। अगर एक और एग्जांपल अगर तुम लोग को बताएं तो देख लो, अभी हम लिए थे बेंजीन। अब तुम लोग भी बताओ, बेंजीन के ऊपर CH2 था ना, यहाँ HBr अगर मान लोड दे दिए और पेरोक्साइड डाल दिए, क्या डाल दिए, पेरोक्साइड, तुम बताओ कहाँ जाएगा Br, अरे मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग हुआ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बेंजीन नहीं है, मतलब ये साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ एक्स चला गया और यहाँ क्या हो गया, CH2 और क्या, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये तुम लोग का कहानी हुआ अल्किन के साथ। अल्किन के साथ छोटा सा और कहानी बनता है जो तुम लोग को बता ही देते हैं। और तीसरा नंबर, सी नंबर, बी नंबर तो था एंटी मार्कोनी, सी नंबर क्या है, अगर अल्किन है, समझना बात को, अल्किन है और अगर यदि इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डालते, क्या डालते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, लेकिन सनलाइट नहीं, इसमें डार्क मीडियम होना चाहिए, एकदम अंधेरा, एकदम छुपा के रख दो, डार्क मीडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डार्क मीडियम। डार्क मीडियम में जैसे रखते हो तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटकर इस दोनों में जुड़ जाता है, ये बॉन्ड टूटता है और दोनों में जुड़ जाता है, बात समझा, कुल मिलाकर बनाता है CH, ये X यहां जुड़ गया और X यहां भी जुड़ गया। कहने का मतलब डायहैलो एल्किन बनाता है, क्या बनाता है, डायहैलो एल्किन। कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। इसका एग्जांपल अगर चल जाए तो थोड़ा सा हम एग्जांपल तुम लोग को बता देते हैं, एकदम बढ़िया से सिर्फ दिमाग में रखोगे, बढ़िया से दिमाग में रखोगे। एग्जांपल क्या है, अगर प्रोपीन है, प्रोपीन इसका नाम क्या है जी, प्रोपीन, और प्रोपीन में हम लोग क्या किए, Cl2 डाल दिए, डार्क मीडियम होना चाहिए, कैसा, डार्क मीडियम होना चाहिए। जैसे हम लोग डार्क मीडियम में रखे तो यहाँ से क्या हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ CH और यहाँ भी Cl, यहाँ CH2 यहाँ भी Cl, क्या बोलोगे, 1 2 3, ठीक है, 1 और 2, डाइक्लोरो और क्या, प्रोपेन, बात समझ में आया। ये तुम लोग का यहाँ से पता चल गया कि आखिर अगर सिर्फ डायरेक्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, अल्किन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल रहे हैं डार्क मीडियम में, तुम्हारा डायहैलो एल्किन बनाता है। अगर यदि HCl और HBr डालते हो तो, अगर विदाउट पेरोक्साइड डालते हो तो तुम्हारा क्या बनता है, जो नेगेटिव पार्ट है वो मोर लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग में जाएगा, और अगर पेरोक्साइड डालते हो तो तुम्हारा कहां जाएगा, मोर हाइड्रोजन। कभी कभी कंफ्यूजन में डाल देता है, देखो क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन में डालेगा, क्या बोलेगा, रामशेव बात समझ रहा, यहां बोल रहा है कंफ्यूजन में डालने का कोशिश करेगा, लेकिन तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होना, HCl और पेरोक्साइड डाल देगा, HCl और पेरोक्साइड डालने वाला है, समझ लो बात को। और यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ HBr और पेरोक्साइड डाल देगा। अब तुम लोग तो सोचोगे, अरे ये तो पेरोक्साइड है, ये तो पेरोक्साइड है, इसका मतलब नेगेटिव मोड में जाएगा, अरे नहीं, सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में, बात समझा, यही सिखाना चाह रहे थे, इसलिए ये नेगेटिव यहाँ जाएगा ही, क्या बोलते हैं, लेस हाइड्रोजन में, लेकिन यहाँ क्या जाएगा, मोर हाइड्रोजन में, सिर्फ HBr के केस में, बार बार बता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम रुक रहे, नेक्स्ट डे हम लोग डील करेंगे इसी से, अपग्रेड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से। अभी हम लोग क्या सीखे, फटाफट थोड़ा सा देख लो तो दिखा देते हैं, हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्किन सीख रहे थे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्किन में हम लोग तीन मेथड सीखे, कौन कौन सा, एल्कोहल से बनाने का तरीका, अल्केन से बनाने का तरीका और
अल्कीन से बनाने का तरीका। अल्कोहल से कौन कौन था बात समझ लो, अल्कोहल से हम लोग क्या किए, हैलोजन एसिड डाले तो HCl डालेंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में, तब क्लोरो एल्केन बनाएगा। अगर HBr डालेंगे कोई प्रेजेंस नहीं लेना पड़ेगा, HI रिएक्शन नहीं करता, KI रिएक्शन करता है, इसलिए KI डालेंगे हाइड्रो एल्केन बनेगा। ये तुम्हारा हैलोजन एसिड का कहानी हो गया, बात समझा। उसके बाद हम लोग थायरोल क्लोराइड डाले, थायरोल क्लोराइड में प्योर क्लोरो एल्केन बनता है। उसके बाद PCl5 और PBr5 डाले, क्लोरो और ब्रोमो में बनता है ये एल्केन, तुम लोग देख लिया। PCl3 और PBr3 भी डाले, बन गया, ये भी तुम देख लिया। उसके बाद हम लोग अल्कोहल से समाप्ति लिए और चल गए कहाँ पर, कहाँ पर, अल्केन में। अल्केन में हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाले, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो क्या बन गया तुम्हारा, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, जो भी डालोगे तुम वहाँ मॉलिक्यूल, वो तुम्हारा बनता जाएगा, बात समझा। रिएक्शन रुकता नहीं है, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसमें है और सनलाइट उसमें पड़ रहा है, रिएक्शन अपग्रेड करता जाएगा। जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए तब तक रिएक्शन होता रहेगा, बात समझ रहे हो, चेन रिएक्शन होता है, रेडिकल मैकेनिज्म है इसका, मैकेनिज्म जानेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहां से तुमको समझा दिए। उसके बाद अल्कीन में हम लोग चर्चा किए, अल्कीन में चर्चा क्या किए, अल्कीन तीन तरह का रिएक्शन देखा, मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल और डायरेक्ट रिएक्शन, बात समझ, डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ रूल में क्या हम लोग देखे कि HCl और HBr, HI कुछ भी डालो, हाइड्रोजन एसिड डालो तो उसका नेगेटिव पार्ट जो है हाइड्रोजन एसिड का वो कहां जाएगा, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में जाएगा, कोई प्रेजेंस नहीं है इसमें, बात समझा। लेकिन परऑक्साइड इफेक्ट में क्या देखे, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को, समझ रहे बात को। तो परऑक्साइड इफेक्ट में हम लोग क्या देखे कि परऑक्साइड जैसे डालते थे तो HCl वैसा ही शो करता था, HI वैसा ही शो करता था, लेकिन HBr क्या करता था कि उसका नेगेटिव पार्ट कहां चला जाता था, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन एटम में चला जाता था, कोई दिक्कत, बात समझा। और अगर यदि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बात करें तो अल्किन में डायरेक्ट ऐड हो जाता है और डाई हेलो एल्किन बनाता है, बस आज तक यहीं सीखे और आज यहीं तक सीखते हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे या फिर नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे बिल्कुल इसी से अपग्रेड टॉपिक, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।